ओके, तो अभी के टाइम ना इंस्टाग्राम रील्स पे सैड सॉन्ग पे ना काफी लोग इस टाइप का एस्थेटिक टाइप का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो एक शायरी वाला वीडियो है जो कि अभी के टाइम काफी वायरल चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप पहले सुन लीजिए। एक और है, रो रहा हूँ एक मुद्दत से, हो गया था इश्क बहुत शिद्दत से, और तजुर्बा है इसलिए कह रहा हूँ साला मौत अच्छी है इस मोहब्बत से। तो ये जो सैड वाला शायरी है, ये वाला सॉन्ग अभी के टाइम काफी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस सॉन्ग पे इस टाइप का वीडियो काफी बना रहे हैं, या सैड वाले भी आप वीडियो देखे होंगे तो इसी टाइप का देखे होंगे। तो कैसे आप स्काई में इस टाइप का स्काई वाला इमेज लगा सकते हो, सॉरी वीडियो लगा सकते हो, एंड कैसे जो शायरी बोल रहा है उसका लिरिक्स आ रहा है तो कैसे आप लिरिक्स लगा सकते हो, तो सारा चीज सिखाने वाले बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ओके, तो प्ले स्टोर में जाके आपको ना VNF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि ऐसे यार इस टाइप का वीडियो हम लोग VNF एप्लीकेशन से एडिट करेंगे, ठीक है। सो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, प्लस के ऑप्शन पे टिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टिक करना होगा। आपको एक अच्छी तरीके से वीडियो को शूट कर लेना होगा, ठीक है। साइड में मेरा वीडियो देखते तो कुछ इस प्रकार से शूट किए, तो इसी वाले वीडियो को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद जैसे एक्स्ट्रा पार्ट है तो कट लगाने वाले इधर से हम डिलीट कर लेते हैं, लास्ट में आएंगे जो ब्लैक लेयर है ना इसको भी डिलीट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देन इधर का पार्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 18 सेकंड का वीडियो रहना चाहिए, अगर कम बेसी है तो अपने वीडियो का लेंथ कुछ इस प्रकार से आप कम बेसी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा, अगर वीडियो यहाँ से प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस प्रकार से वीडियो है, नॉर्मल सा वीडियो है, वीडियो की स्काई में कुछ भी नहीं लगाया गया। ओके, सो कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने बाद गई सर, अब आपको ना स्टार्टिंग में आ जाना होगा, इधर का पार्ट थोड़ा सा हटाएंगे, देन इधर का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर टेप एड स्टिकर, टिक करेंगे वीडियो एंड फोटो पे टिक करना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में गई सर, आप देखे होंगे कि वीडियो की स्काई में एक स्काई लगाया गया था जो कि अभी के टाइम ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से स्काई में वीडियो आ चुका है, ठीक है। अब इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम बड़ा करेंगे, जितना आपका स्काई है उतना बड़ा आपको इसको करना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देन इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इधर स्लाइड करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन शो करके मास्क का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करके लाइनर पर आपको दो बार क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही क्या होगा ना, स्काई वाला जो वीडियो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक बिंदु शो कर रहा होगा, आपको ना यहाँ तक रखना होगा जहाँ तक स्काई है, ठीक है। सो यहाँ तक रखेंगे, देन इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है। जिस प्रकार से मेरा स्काई का रोटेशन है कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे तो एरो एक ऑप्शन शो करके इसको हल्का सा नीचे की तरफ स्लाइड करना, देन ऊपर वाला भी थोड़ा सा स्लाइड करना कुछ इस प्रकार से। ओके, सो इतना करने के बाद देन यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद गई सर देखोगे तो नीचे में ना यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह दिख रहा है, तो इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा करेंगे, फिर से मार्क पे टिक करेंगे, यहाँ पे एरो को हल्का सा नीचे तरफ स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम डन करेंगे, अब बिल्डिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इतना करने के बाद गई सर आपको इसी वाले लेयर पे क्लिक करना होगा, शो करके यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन, डुप्लीकेट पे टिक करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको कुछ इस प्रकार से आगे लेयर बढ़ा देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इधर से हम कम कर रहे यहाँ तक, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक पूरा तक आ चुका है ये वाला इसका वाला वीडियो, ठीक है। देन कुछ इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना होगा आके। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फेस पे मेरा इसका वाला वीडियो आ रहा था, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, क्रोमा की निकालना पड़ेगा, तो इस वीडियो पे टिक करना, डुप्लीकेट पे टिक करना, डुप्लीकेट कर लेना, इधर स्लाइड करना, शो करके यहाँ पे ना फॉरवर्ड का ऑप्शन टिक करेंगे, लेवर लेयर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस लेयर को पकड़ के कुछ इस प्रकार से एकदम ऊपर ऊपर एकदम स्टार्टिंग में ला देना होगा, स्टार्टिंग में देख सकते हो आ चुका है। फुल स्क्रीन करेंगे, शो करके फिट का ऑप्शन क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आपको लास्ट में जाना होगा, ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना, ठीक है। सो अब इतना करने के बाद ना यहाँ पे जो लेयर लाया था ना ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद गाइस इधर स्लाइड करोगे, शो करके यहाँ पे एक ऑप्शन क्रोमा का ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस पर आपको टिक करना होगा, टिक करने के बाद गाइस इसको स्काई में लेके जाना होगा, देन इंटेंसिटी को गाइस यार देख लेना, कम करोगे तो यहाँ पे ना जो स्काई वाला वीडियो हट जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको 16 या 18 के आसपास रखेंगे, देन स्पिल को एकदम जीरो कर देंगे, ठीक है। स्पिल देख सकते हो इधर इतना था, अगर जीरो करेंगे देख सकते हो गाइस यार ब्लैक ब्लैक मेरा बाल वगैरह दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमा की सही से कट चुका है। देन यहाँ से हम डन करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्टिंग से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे ना जो स्काई वाला वीडियो है मेरे फेस पे नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार से गाइस यार इस वाले वीडियो को लगा लेना होगा। देन इस वीडियो को ढूंढने में काफी मेहनत लगा है, ठीक है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। देन फिर से आपको स्टार्टिंग में रहना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में रहने के बाद गई सर यहाँ पे ना आपको ना एक काम करना होगा, आप वीडियो देखे होंगे कलर वगैरह कुछ और था, ठीक है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का था। तो वैसे जो स्काई वाला वीडियो इस पर आपको टिक करना होगा, स्लाइड करोगे शो करोगे फिल्टर का ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपको कलर देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, सिर्फ आप एक बार टिक करोगे तो यहाँ वीडियो में अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। इधर वाला वाटर मार्क आएगा, तो कुछ इस प्रकार से तो एक क्लिक में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो स्काई का कलर, यहाँ पे ओरिजिनल रखेंगे, देन शो करके एडजस्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, अब देखोगे सैचुरेशन का ऑप्शन शो करेगा, इसको कुछ इस प्रकार से आपको कम कर लेना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे 70% के आसपास रखना, ब्राइटनेस पे टिक करके गई सर ब्राइटनेस को भी कुछ इस प्रकार से आपको कम कर लेना होगा। करने के बाद गई सर कॉन्ट्रास्ट पे टिक करना,
कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाना, ठीक है, एक्सपोजर पे टिक करने के बाद कहीं सर इसको हल्का सा बढ़ाना या घटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ना सही का आसन यहाँ पे देख सकते हो, डबल टिक शो करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अब आपको होगा क्या कि सभी लेयर में गई सर ए वाला इफेक्ट सॉरी फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, देन ऊपर वाले लेयर पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। फिल्टर पे टिक करेंगे, एडजस्ट पे टिक करेंगे, सेचुरेशन को यहाँ पे बढ़ाया था ना इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, तो इसको जीरो कर देना, ब्राइटनेस को भी जीरो कर देना, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को भी जीरो कर देना, ताकि कहीं सर जो मॉडल और वीडियो है ना यहाँ पे इसका कलर वगैरह ना चेंज हो, ठीक है। अगर कलर चेंज होगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार से अगर आपको दिखाऊँ ना तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसे वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद देखोगे तब अच्छा लगेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपको ग्लिच वगैरह देखने को मिल रहे होंगे, वीडियो को लास्ट में एक्सपोर्ट करने के बाद दिखाऊंगा आपको, तब देखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको फिर से आ जाना होगा यहाँ पे, अब म्यूजिक वाले लिरिक्स को लेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे टिक करके वीडियो एंड फोटो पे टिक करना होगा, ठीक है। लिरिक्स वाले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ओके। कुछ इस प्रकार से इसको पकड़ के एकदम ऊपर कर देना लेयर को, लेयर को ऊपर करने के बाद जैसे इसको कुछ इस प्रकार से लेयर इसको पकड़ के आपको यहाँ पे बड़ा करना होगा। बड़ा करने के बाद गई से इधर आप स्लाइड करके शो करके ब्लेंडिंग का ऑप्शन टिक करके आप यहाँ से लाइटिंग सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ से डन कर देना होगा, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियो को प्ले करके देखा हो तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे लिरिक्स आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से गई से लिरिक्स वाला वीडियो एंड स्काई वाला वीडियो आप लगा सकते हो अपने वीडियो में। आप देखे होंगे उस वाले वीडियो में ना ब्लर इफेक्ट वगैरह लगा हुआ था, तो आप ब्लर इफेक्ट वगैरह लगा लेना, ठीक है। देन यहाँ पे लिरिक्स वाला वीडियो कम पड़ गया है, ठीक है। तो लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करके इसको कुछ इस प्रकार से बढ़ा देना इसका लेंथ, ओके। सो यहाँ पे गई सर वीडियो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करके म्यूजिक ऑफ कर लेना होगा वीडियो वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, तो म्यूजिक को सॉरी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं गैलरी में, आपको यहाँ पे टिक करके एक्सपोर्ट पे टिक कर देना होगा, आपकी वीडियो जाके गैलरी में सेव हो जाएगी।